नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीटेट की हमने तैयारी शुरू कर रखी है और ईवीएस का पार्ट हमने शुरू कर रखा है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 और 6 से लेके 10 मैं डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं। और अभी जो आज की जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर नंबर 11 से लेके 15 तक करेंगे। अगले जो 5 चैप्टर हैं, एक वीडियो में 5 चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उनको देखिए और आप उन वीडियो में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद लिखिए, ठीक है। दूसरे के नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप जो मैं बताता हूँ उसको भी देखिए और खुद भी एनसीईआरटी पढ़िए। और अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं सीटेट के, उससे एक और बात पता चलता है कि जो सीटेट है उसका लेवल पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। तो जल्दी जल्दी हमें 3री 4थी 5वीं की तो एनसीईआरटी करनी ही है ईवीएस की, और 6ठी से लेके 10वीं तक की साइंस भी हमें कवर करनी है, तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज की जो सीटेट की हमारी वीडियो है क्लास 3rd की चैप्टर नंबर 11 से लेकर 16, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 11वां चैप्टर है 3rd क्लास की ईवीएस की बुक में वो है फ्रॉम हेयर टू देयर। ये हमारा चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। इसमें समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार। ये जो वर्कबुक है ये है गोल्डन पब्लिशर की, फ्रॉम हेयर टू देयर समरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यातायात के साधन होते हैं, और हम अलग अलग प्रकार के साधन इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। रोड में जो हमारी सड़क साधन है जैसे कार, बस, ट्रेन, ट्रक, एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, वाटर ट्रांसपोर्ट बोट्स, फेरीज, शिप्स इत्यादि। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बुलक कार्ट होती है हमारी, हॉर्स कार्ट होती है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। वी यूज डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फॉर डिफरेंट पर्पज। ट्रांसपोर्ट आर यूज अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पीपल, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टाइम वन हैज। हमें अगर कम हमारे पास अगर कम टाइम है तो हम जो ज़्यादा तेज चलने वाला साधन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और या फिर अगर हमारे पास पैसे कम हैं तो पैसे पे भी हमारा ये डिपेंड करता है, ठीक है। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे महंगा और सबसे तेज चलने वाला वो है एरोप्लेन। डिफरेंट व्हीकल्स आर यूज डिफरेंट फ्यूल, कार, बसेस, ट्रक्स, इत्यादि। दे रन ऑन CNG, पेट्रोल एंड डीजल। CNG की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, कोल, वाटर। कोयले से चलने वाली ट्रेन होती है, डीजल से चलने वाली होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलती है, और एयरप्लेन्स रन ऑन पेट्रोल एंड शिप्स रन ऑन डीजल। वी हैव सम स्पेशल व्हीकल फॉर स्पेशल एंड एमरजेंसी पर्पज, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, जीप, ठीक है। तो ये समरी थी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। अब देख लेते हैं हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये चैप्टर। आस्क अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन जर्नी बाय स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्लास के अंदर जाके बच्चों से अगर उनका कोई एक्सपीरियंस है, उन्होंने कभी ट्रेन में सफ़र किया है, वो देखेंगे, उनको जानेंगे, बच्चों से डिस्कशन करेंगे, बच्चों से ही हम ये सारी चीज़ें निकलवाएंगे, ठीक है। हमें खुद जाते ही पढ़ाना शुरू नहीं कर देना है। ये मैंने बता दिया, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट है पेज नंबर 70 पर, 70 पेज नंबर पर हमें दिया गया है टीचर्स नोट। Children have seen many vehicle in real life or in film. Their experience may help in discussion. बच्चे आसपास बहुत सारे यातायात के साधन देखते हैं, बहुत प्रकार की गाड़ियाँ देखते हैं, उनका experience हम लेंगे। Use of different vehicles, और जो ये ambulance, ready, cart, wheelchair, tractor है, जो ऐसे special vehicles हैं उनके बारे में भी हमें बच्चों से discussion करना है और बताना है कि इनका इस्तेमाल कहाँ और कब होता है। पेज नंबर 74 पर दिया गया है टीचर्स नोट। टीचर्स को क्या करना है, डिस्कशन विद एल्डर्स टू नो चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पास्ट। देखिए, हमारे आज के टाइम में जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग है, और जो पहले हमारे दादा परदादा जो थे उनके टाइम में जो ट्रांसपोर्ट था वो अलग हुआ करता था, ठीक है। तो एक टीचर जाके बच्चों को ये सब बताए उससे बेटर है कि आप बोलिए कि अपने दादा दादी से बात कीजिए। अगर किसी बच्चे के दादा दादी नहीं है घर में तो उस आस पड़ोस के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कीजिए कि आपके टाइम में ट्रांसपोर्ट जो था वो कैसे हुआ करता था, या आप एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर वर्क वी डू। अब वर्क वी डू ये जो चैप्टर है हमारा 12वां चैप्टर है
समरी देखते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, हर हर आदमी अपना अलग अलग काम करता है। पर्सन विद हु प्रोवाइड देयर सर्विस टू अस आर कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड पर्सन हु प्रोवाइड अस द गुड्स आर कॉल्ड बिजनेसमैन। पीपल लाइक टीचर्स डॉक्टर्स नर्स पोस्टमैन स्वीपर्स आर कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सर्विस देते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। पीपल लाइक शॉपकीपर बिजनेसमैन आर कॉल्ड गुड प्रोवाइडर्स, ये हमें कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं या फिर सामान देते हैं। देर आर ऑल्सो पर्सन हु आर बोथ एज दे प्रोवाइड अस बोथ थिंग्स, जैसे ब्लैक स्मिथ कारपेंटर पेंटर फार्मर्स, ऐसे जो लोग होते हैं सुनार लोहार बढ़ई, ये सब दोनों काम करते हैं, ये हमें सामान भी देते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। वर्क डन बाई पीपल ब्रिंग मनी, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है और पैसे से हम अपनी फैमिली को चलाते हैं, ठीक है, भरण पोषण करते हैं उनका। नो वर्क इज बिग और स्मॉल, हमें बच्चों को ये बात बतानी है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सोचिए अगर हम बोले कि जो स्वीपर जो होते हैं वो काम अच्छा नहीं होता है, उसको कुछ लोग अच्छा काम नहीं मानते हैं। पिछले पुराना जो टाइम था उसमें उन लोगों से बात करना छुआछूत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हुआ करते थे, ठीक है। तो बच्चों से इस बारे में बात करना है कि सोचिए अगर स्वीपर ना होते तो हमारा शहर आज गंदा होता, ठीक है। तो सबका काम जो है वो इम्पोर्टेंट है। सम चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क एज देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड देयर फूड एंड एजुकेशन, ये जो चाइल्ड लेबर है उससे हम रिलेट कर सकते हैं इस लाइन को, कि कुछ बच्चे भी काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो फीस वगैरह नहीं भर सकते। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बना रखी हैं, राइट टू एजुकेशन है, जिससे बच्चे हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल एज एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, शिक्षा सबसे ज़रूरी है इसीलिए सबको स्कूल जाना चाहिए। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट मैंने लिखे हैं। वर्क वी डू आवर हेल्पर्स से रिलेटेड है ये चैप्टर, पेज नंबर 79 पर दिया गया है टीचर्स नोट। बिफोर स्टार्टिंग लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर, एक पिक्चर दी गई है उसमें सभी लोग आपस में काम करते हुए दिखाए गए हैं एनसीईआरटी की किताब में, तो बच्चे उनको ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्वेशन स्किल उनकी डेवलप होगी और फिर बच्चे बताएं उस टीचर उस पिक्चर को वो डिस्क्राइब करें कि इस पिक्चर में ये आदमी ये काम कर रहा है वो आदमी ये काम कर रहा है। टेल अबाउट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, जो हमारी आसपास की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स स्कूल्स गुरुद्वारा टेम्पल मॉस्क चर्च बस स्टैंड बैंक रेलवे स्टेशन, इन सब के बारे में बच्चों को बताइए। पेज नंबर 83 पे दिया एक स्टोरी दी गई है दीपाली की, वो जो लड़की है वो क्या करती है, वो कभी पहले स्कूल जाया करती थी, जैसे ही वो थर्ड क्लास उसने पास की तभी उसके पेरेंट्स जो थे उनको एक नया उनको एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी देख रेख करने के लिए जो दीपाली थी उसको घर पे रहना पड़ा, उसने स्कूल छोड़ दिया। तो इस बारे में बात करेंगे, ये गर्ल एजुकेशन से रिलेट हम इसको कर सकते हैं। पेज नंबर 85 पे टीचर्स नोट दिया गया है, ऑल काइंड ऑफ वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नो वर्क इज बेटर और वर्स देन एनी अदर, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। जो 85 पे टीचर्स नोट दिया गया है उसमें यही बताया गया है कि सभी काम कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और जेंडर वाइज के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि ये काम लड़के को करना चाहिए लड़की को नहीं करना चाहिए या फिर आदमी को ये काम करना चाहिए औरत को करना चाहिए, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। चैप्टर नंबर 13 में शेयरिंग आवर फीलिंग्स समरी दी गई है, वी शुड शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर पीपल, हम सब अपनी अपनी हमें अपनी जो फीलिंग्स है वो हम शेयर करते हैं दूसरों को बताते हैं। पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड, ये पहले भी एक चैप्टर में आया हुआ है। वी शुड टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स एंड ट्राई टू कीप देम हैप्पी, जो हमारे आसपास बड़े बूढ़े हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको हमें खुश रखना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी हेल्प मांग रहा है उसको बस का नंबर बताइए कि आप किस बस में जाएंगे, अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हैं अगर वो रोड क्रॉस करना चाहता है तो रोड क्रॉस करवाइए। ब्रेल स्क्रिप्ट इज स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू सी, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ब्रेल लिपि जो है वो ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनकी उनके लिए बनी हुई है, इसके बारे में अभी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज फाउंडेड बाई लुई ब्रेल हु बिलोंग टू फ्रांस, जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने इसका इसकी खोज की थी सॉरी इसका आविष्कार किया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ब्रेल,
फादर ऑफ ब्रेल के नाम से भी इनको जाना जाता है, ब्रेल के पिता। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन थिक पेपर, एक मोटा सा पेपर होता है उसके ऊपर उठी हुई कुछ बिंदु होती हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, इट इज अंडरस्टूड बाई टचिंग एंड फीलिंग द रेज्ड डॉट्स ऑन द पेपर थ्रू फिंगर्स। छह बिंदुओं पर निर्धारित ये होती है। नाउ ब्रेल कैन ऑल्सो बी रिटन यूजिंग कंप्यूटर। बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सारे पॉइंट जो हैं ये NCERT से ही लिए गए हैं और मैंने जो लिखे वो भी यही सेम पॉइंट है। तो देखिए सेम पॉइंट मैंने लिखे हैं शेयरिंग आवर फीलिंग्स चैप्टर के। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है उसमें थिक पेजेस होते हैं, रेज्ड डॉट्स होती है और रनिंग फिंगर से पढ़ी जाती है। पेज नंबर 88 पे टीचर्स नोट दिया गया है, चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज, दे सेंसिटाइज्ड बाय डिस्कसिंग द कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी। देखिए जब हम कोई स्टोरी देखते हैं या फिर कोई एपिसोड देखते हैं टीवी पे, तो जो बच्चे होते हैं वो एपिसोड में जो कैरेक्टर हैं उनकी एक्टिंग करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे पहले कभी शक्तिमान आया करता था तो बच्चे शक्तिमान बन के घूमते थे, अभी आजकल ये जो नए सुपर हीरो हैं ये बन के घूमते हैं बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ब्लाइंड फोल्ड जो गेम है उसमें किसी बच्चे की आप आंख बंद कर दीजिए और उसको बोलिए कि टच करके बताइए ये क्या है। आप किसी बच्चे की आंख बंद करके किसी दूसरे बच्चे को बोलिए कि तुम बोलो और ये आपकी आवाज़ पहचानेगा, ठीक है। ऐसे खेल खिलाएंगे तो क्या होगा। पेज नंबर 89 पे देखिए, वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स बाय पुटिंग आवर सेल्फ इन देयर सिचुएशन। जब हम उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से दूसरों की समझ में आती है। लुई ब्रेल, ये अभी पहले मैं अभी बता चुका हूँ समरी में, लुई ब्रेल फ्रांस के थे, 3 साल के थे जब उनकी आई साइट जो थी वो चली गई थी, उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी। ब्रेल स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, 6 पॉइंट्स पर आधारित होती है। इनके अक्षर कुछ इस तरीके से होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, उन पे एक ऐसे या फिर कोई और अक्षर होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। तो टोटल 6 पॉइंट होते हैं सभी के सभी। नाउ ए डेज इट इज ऑल्सो रिटन बाई कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। शो रियल ब्रेल स्क्रिप्ट टू स्टूडेंट्स, पेज नंबर 91 पे टीचर्स के लिए दिया गया है कि बच्चों को ओरिजिनल जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो दिखाइए ताकि बच्चे लर्निंग बाई डूइंग कर सकें, उनको देखें और देख के खुद देख के सीख सकें। ये देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट दिखा रखी है, इसमें ए के लिए ये लिखते हैं, बी के लिए ऐसे, सी के लिए ऐसे लिखते हैं, डी के लिए ऐसे लिखते हैं। तो ये सभी के सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सभी के सभी जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, वो सभी 6 पॉइंट पे निर्धारित हैं। द स्टोरी ऑफ फूड, हमारा 14वां चैप्टर है द स्टोरी ऑफ फूड। समरी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वी गेट आवर फूड आइटम फ्रॉम वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें अपना फूड अलग अलग जगह से मिलता है, जानवरों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। मैनी प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, गार्लिक, इट्स आर यूज्ड टू मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनको हम दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लाइक लीव्स, स्पिनच, कोरिएंडर, जो धनिया और पालक है उनकी हम पत्तियाँ खाते हैं, रूट्स, जड़ खाते हैं, मूली, शलगम और गाजर की फ्लावर्स खाते हैं, कैबेज और कॉलीफ्लावर जो होते हैं वो फूल होते हैं, जो हमारी पत्ता गोभी और ये बंद गोभी है ये एक फ्लावर होता है। फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ETC, और स्टेम होती हैं, लोटस की हम स्टेम खाते हैं, कमल ककड़ी की स्टेम खाते हैं, ये सब हम खाते हैं। पेज नंबर चैप्टर नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो NCERT से लिखे हैं। पेज नंबर 92 पे टीचर्स नोट दिया गया है, डिस्कस केयरफुली एंड सेंसिटिवली द इश्यू ऑफ जेंडर रोल सिटीसी। फिर से जेंडर रोल आता है कि घर में खाना कौन बनाता है और दूसरे काम कौन करता है, ठीक है। अलाउ चिल्ड्रन टू फ्रीडम टू क्वेश्चन देयर विदाउट हर्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग डालिए ताकि वो किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछे तो दूसरे को हर्ट ना हो, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछे। फूड हम या तो पेड़ पौधों से मिलता है या फिर हमें एनिमल्स से मिलता है। पेज नंबर 94 पे टीचर्स नोट दिया गया है, हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई प्लांट्स अवेलेबल इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड यूज्ड एज मेडिसिन। बच्चों के आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो हम दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको एक नॉलेज मिले इन सभी प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर चैप्टर नंबर 14 में इतना ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हम, चैप्टर नंबर 14, मेकिंग पॉट्स, मटके कैसे बनते हैं। बेटर होगा आप बच्चों को उनके गांव के जो कुम्हार होते हैं उनसे बात करने के लिए बोले जो मटके बनाते हैं। पहले कुम्हार लोग जो होते थे वो मटका बनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अगर आजकल कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुम्हार ही अब मटका बनाएंगे,
पहले जो काम निर्धारित होते थे वो जात से भिन्न होते थे, ठीक है। मेकिंग पोर्ट्स, पोर्ट्स आर अदर यूटेंसिल्स आर मेड फॉर क्ले, द पर्सन हु मेक दीज आर कॉल्ड पोर्टर, जो बनाता है उसको पोर्टर बोलते हैं। पोर्ट्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स एंड यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग एंड ईटिंग। ए पोर्टर मेक पोर्ट बाय क्ले सोयल, जो हमारी मिट्टी होती है उससे बनाते हैं, चिकनी मिट्टी जो होती है। द सोइल इज मोस्टली फाउंड नियर पॉन्ड्स एंड रिवर्स, ये ज़्यादातर हमारी तालाब के किनारे पाई जाती है। एक ट्रोवल जो होता है उसको डिग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फावड़ा होता है मिट्टी निकालते हैं उससे। और फिर देखिए ये पूरा प्रोसेस है, हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं हम एनसीईआरटी में इसको कैसे दिया गया था। देखिए एक स्टोरी दी गई थी बहुत बढ़िया, कि एक कौवा होता है, वो कौवा एक संधि करता है चिड़िया के साथ कि अगर तुम अंडे दोगी तो तुम्हारे अंडे मैं खाऊंगा, और अगर पहले मैं अंडे दूंगा तो मेरे अंडे तुम खाओगी। तो जो चिड़िया थी वो चालाक थी, उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम पहले अपनी चोंच धो के आओ तभी मैं अपने अंडे खाने दूंगी। तो वो कौवा जाता है नदी के पास, नदी बोलती है कि पहले पोर्ट लेके आओ, फिर वो जाता है पोटर के पास, पोटर बोलता है कि पहले मिट्टी लेके आओ तभी तो मैं तुम्हारा ये बनाऊंगा मटका। फिर जब वो लेने जाता है क्ले, तो क्ले जो पिट होता है वो क्ले बोलती है कि तुम मुझे लेके कैसे जाओगी, मुझे खोदने के लिए फावड़ा लेकर आओ, ट्रॉवल बोलते हैं जिसको, वो लेके आओ। तो जैसे ही कौवा ये सब करता है, ये पूरा प्रोसेस दिया गया है कि पहले जो यहाँ पे मिट्टी चाहिए होती है पॉट बनाने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए ट्रोवल चाहिए होता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहानी के माध्यम से बताया गया था बच्चे, ताकि इसको एंजॉय करें। पेज नंबर 99 पे देखो क्या दिया गया है। टीचर्स नोट, क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रन विल बिकम डर्टी वाइल मेकिंग पॉट्स बट दे विल एंजॉय लर्निंग बाय डूइंग। देखिए लर्निंग बाय डूइंग यहीं पे एनसीईआरटी में दिया गया है। जरूरी नहीं है हम जो जितने भी साइकोलॉजी की बुक्स हैं वो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़े, उनसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखें कि लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उनका स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये किस तरीके से डिजाइन की गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। आपको पता चलेगा कि ये वही कंस्ट्रक्टिविज्म है, बच्चों को खुद हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो खुद ब खुद नॉलेज को जनरेट करें। ऐसा नहीं है कि पहले जो किताबें होती थी उसमें सब फैक्ट्स दिए होते थे, बस बच्चे उसको याद करते थे और एग्जाम में जाके लिख के आते थे, ठीक है। उनको पता भी नहीं होता था कि ये है क्या, और वो बस उसको रटते थे और जाके एग्जाम देके आते थे। तो आज हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं, अगली वीडियो में फिर से हम चैप्टर नंबर 16 से लेकर 20 तक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए चैनल को। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक में मेरा पेज है एमके फैसिलिटेटर के नाम से, तो फेसबुक पे आप देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो पिछली वीडियो है सीटेट की हमारी ईवीएस 3rd क्लास की, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से देख लीजिए आप।